हाय दोस्तों, संसार ब्लॉग गया में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप? अभी हम लोग खड़े हैं गया टू नवादा मेन रोड पे और मेरे सामने सुखदेव पैलेस है। वीडियो का थंबनेल और टीजर देखकर आप समझ गए होंगे आज हम आपको एरोप्लेन रेस्टोरेंट दिखाने वाले हैं। आज एरोप्लेन रेस्टोरेंट के बारे में पूरी जानकारी आपको विस्तार से देने वाले हैं और दिखाने वाले हैं। तो आइए, आपका बिना टाइम वेस्ट किए बिना सीधा आपको लेके चलते हैं सुखदेव पैलेस के अंदर। तो फाइनली हम लोग सुखदेव पैलेस के अंदर आ चुके हैं। मेरे पीछे आप एरोप्लेन रेस्टोरेंट का व्यू देख सकते हैं। ये व्यू आप अदर स्टेट में देखे होंगे, दिल्ली, मुंबई, गुजरात में आप देखे होंगे, लेकिन बिहार में ये फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिल रहा है। ये एरोप्लेन रेस्टोरेंट बना है गया डिस्ट्रिक्ट में, फर्स्ट टाइम आप ये व्यू देख सकते हैं। ये आपको बिल्कुल ओरिजिनल वाला फील यहाँ पे आपको महसूस होगा। आप ऊपर देख सकते हैं फ्लाई डाइन रेस्टोरेंट का यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है। इसी के अंदर आपको जा करके बोर्डिंग पास लेना होगा। तो आइए हम अंदर का व्यू आपको दिखाते हैं। ये रिसेप्शन एरिया है, इस साइड आप देख सकते हैं वेटिंग हॉल है। अगर आप आ रहे हैं तो एरोप्लेन में घूमने के लिए, एरोप्लेन का एंजॉय लेने के लिए, तो आपको यहां से टिकट कटाना होगा। जो टिकट आपको 300 रुपीज का एंट्री फीस देना होगा, उसको लेने के बाद आपको इस साइड से एंट्री करना होगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं फ्लाई डाइन रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट में इन करने के लिए आपको ग्लास ब्रिज का यूज करना पड़ेगा। ग्लास ब्रिज आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा राजगीर में, लेकिन सेकंड टाइम आपको ये गया में देखने को मिल रहा है ग्लास ब्रिज। आइए इस ग्लास ब्रिज से होते हुए अंदर आपको लेके चलते हैं और फ्लाई डाइन रेस्टोरेंट में क्या ऐसा फैसिलिटी है क्या। तो हम लोग अभी फ्लाई डाइन रेस्टोरेंट के अंदर है। आप देख सकते हैं, ये लुक देख सकते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल एरोप्लेन वाला फील यहाँ पे हो रहा है। आप देख सकते हैं लाइटिंग का, देख सकते हैं डेकोरेशन का, देख सकते हैं काफी शानदार इसे बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ का लुक है। अगर आप फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो यहाँ वेलकम आ सकते हैं। अगर आप कपल हैं तो यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आकर के आप अपने परिवार के साथ आकर के अच्छा भोजन का लुत्फ उठा सकते हैं। आप देख लीजिए, बहुत ही काफी लंबा चौड़ा ये बना हुआ रेस्टोरेंट है। एक बार में तकरीबन 100 आदमी यहाँ पे आराम से खाना खा सकेंगे। ये बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले मुजफ्फरपुर में एरोप्लेन रेस्टोरेंट बन रहा है जो अभी ओपनिंग नहीं हुआ, लेकिन ये बिहार में फर्स्ट टाइम गया डिस्ट्रिक्ट में आप ये ओपनिंग हो चुका है, बन के तैयार है। लोग यहाँ काफी संख्या में आ भी रहे हैं और यहाँ का खाने का लुत्फ उठा रहे हैं। तो आप लोग भी आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ। अगर आप कपल है तो कपल के साथ, अपने फ्रेंड के साथ आ सकते हैं। बाद बाकी अगर जो लोग रेस्टोरेंट में आ चुके हैं वो अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ आकर कैसा फील हुआ। काफी शानदार तरीके से इसे बनाया गया है। बहुत ही इस साइड में आप देख सकते हैं कि 2 सीट लगी हुई है, इस साइड में 3 सीट लगा हुआ है ताकि लोग आसानी से यहाँ पे बैठ करके खाना खा सके। आप बाहर से भी देखेंगे तो बाहर का व्यू बहुत कमाल का आएगा। मेरे हाथ में फ्लाई डाइन रेस्टोरेंट का ये मेनू है। इसमें क्या क्या फूड आपको यहाँ पे मिलने वाला है, मैं आपको स्कैनर
दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं स्कैनर में स्कैन करके आपको पूरा यहाँ का मेनू दिखाई देगा। अच्छा फील हो रहा है यहाँ आकर के। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।